हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय अनदर ब्लॉग्स। आज के इस ब्लॉग में हम दिखाने वाले हैं, और हमारा एक एग्जाम है। आज का दिन संडे है और आज मेरा सेकंड सिटिंग में एग्जाम है जो एक बजे से भी होने वाला है। इस एग्जाम में जो ले जाना होता है वो आधार कार्ड ले जाना है और मोबाइल नहीं ले जाना है, किसी भी प्रकार के सामान वगैरह नहीं ले जाना, ये सब मना है। ये तो जो मेरा ये एग्जाम होने वाला है, ये फायरमैन का एग्जाम होने वाला है। सब कॉलेज अलग अलग स्कूल में सब आए थे, तो सरस्वती शिशु मंदिर जो है उसमें करीब से करीब तो मेरे अंदाज से 500 लोग तो आए ही होंगे। अपने दुकान में बैठे हुए हैं, अभी तो शायद 9:10 बज रहा है और अभी हम अपनी तैयारी करेंगे और 1 बजे से मेरा अभी एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो 1 बजे से एंट्री हो जाएगा और 2 बजे से मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और 4 बजे छुट्टी हो जाएगी। तो सर दोस्तों, मैं जब जाऊंगा वहां पे अपने एग्ज़ाम देने के लिए तो आप लोगों को दिखाऊंगा इस ब्लॉग में, और आप बने रहिएगा इस वीडियो पे, बहुत मज़ा आने वाला है। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ में यहाँ पर एग्ज़ाम में लोग आते हैं, किस तरीके का यहाँ पर चेकअप होता है, कैसे रखा जाता है, मैं इस वीडियो में सब दिखाऊँगा। इस ब्लॉग में बहुत मेहनत कर रहा हूँ, इस ब्लॉग में बहुत मेहनत से एक वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ एग्जाम का। वैसे तो कभी सेंटर पर भी हम जस्ट गए थे और हमारे भैया का भी एग्जाम था, तो हम उनको अभी जस्ट अभी छोड़ करके आए हैं वहाँ पे। सरस्वती शिशु मंदिर ये एक प्राइवेट स्कूल है और बहुत बड़ा स्कूल है, औरंगाबाद का करीब 2 से 3 नंबर पे ये स्कूल आता है, बहुत बड़ा स्कूल है। और इसके ना किसी से कुछ लेना, ए I'm one in a million, पर ज्यादा भी उछ लेना। चल तू मेरे साथ यारा, चल तू ये रात कभी ना फेरा मेरा वे तो गाइस, अभी मैं जहाँ पे एग्जाम पढ़ रहा था तो एग्जाम सेंटर में गया था अपने भैया को छोड़ने के लिए। अरे घूट में स्वैग है, अरे घूट में स्वैग है, अरे घूट में स्वैग है। ये था फायरमैन का एग्जाम, और फायरमैन के एग्जाम आज औरंगाबाद में 27 मार्च को हो रहा है। आज रविवार का दिन है और आज संडे दिन है, काफ़ी अच्छा दिन है, सब जगह छुट्टियां होती है सभी स्कूल में, और आज के दिन हम लोग का एग्ज़ाम हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का कोई काम डिस्टर्ब नहीं होगा। और इस तरीके से हम लोग अभी यहाँ पे गया था, बहुत अभी यहाँ पे फर्स्ट सेटिंग मैंने गया था उनको छोड़ने के लिए, और जस्ट अभी यहाँ पे छोड़ करके आ गए, बहुत भीड़ था। और अगले सेटिंग में मतलब सेकंड सेटिंग में मैं जाऊँगा और दिखाऊँगा कि कितने भीड़ रहेंगे मेरी सेटिंग में। तो लोग काफ़ी हैं और ये सिर्फ औरंगाबाद का ही भीड़ था शायद,
में स्वैग है, गया तो बहुत सारे लोग आपस में हो गया था, मतलब क्वेश्चन आउट हो गया था, तो उसी के साथ आंसर सब लोग लिख रहे थे। तो हमें ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे जो आंसर सबके फोन पे ही आया था, और एक दो का फोन में आया तो सब लोग आपस में सब लोग फोटो खींच ले रहे थे, उसको पेपर पर ले रहे थे, मतलब चीट करने के लिए। लेकिन मालूम नहीं है कि सच में वो वही क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, तो मालूम नहीं। और मेरे पास एक बुक है, मैं इसी को दोबारा से रिवाइज कर लेता हूँ, जो भी कुछ होगा इसी के माध्यम से होगा। और वहाँ पे भी जाएंगे तो हम सबका तो देख लेंगे, चीट अपना लिख करके अंदर की ओर नहीं ले जाना है, उसके अंदर नहीं ले जाना है, मोबाइल फ़ोन नहीं ले जाना है, बैग नहीं ले जाना है, और किसी भी प्रकार का उपकरण नहीं ले जाना है। सिर्फ आधार कार्ड और एडमिट कार्ड को आप ले जा सकते हैं, इसके अलावा आप कभी नहीं ले सकते। तो बहुत सारे वहाँ पे गार्ड भी लगे हुए हैं, और एग्ज़ाम बहुत ही मतलब टफ। मैं ऐसा ब्लॉग तैयार नहीं किया था, लेकिन ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है जो मैं एग्ज़ाम के लिए बना रहा हूँ। तो दोस्तों, हम यहाँ पे अभी आप लोग को दिखा रहा हूँ अपने जो एग्ज़ाम देने की जो मैंने तैयारियाँ की है। सबसे पहले यहाँ पे आधार कार्ड ले जाना होता है, ओके। दूसरे नंबर में आपका ये होता है, ये देख रहे हैं आप, एडमिट कार्ड, ये एडमिट कार्ड, तो इसको लेकर के जाना होता है, और ये है आधार कार्ड, ये दोनों को लेकर के यहाँ से चले जाना है, ठीक है। और ये है पेन, तो ये तीन चीज़ लेकर के अंदर जाना है, इसके अलावा अंदर कुछ भी चीज़ को नहीं ले जाना है, ठीक है। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, और अभी नेक्स्ट अब जब एग्ज़ाम देने हम जाएंगे अपने सेंटर पे, तो वहाँ के हम अब सीने दिखाएंगे। अभी तो जब हम फर्स्ट सीटिंग में गए थे तो वहाँ पे भैया का भी एग्ज़ाम कर समय था अभी, और अभी भैया के एग्ज़ाम में बैठा करके अभी अच्छे से अंदर एंट्री करवा करके अभी आ रहे हैं, और जस्ट फिर हम भी जाएंगे यहाँ से 1 बजे, जो 2 बजे से एग्ज़ाम होने वाला है, 1 बजे एंट्री का समय है। और उसके बाद जब एग्जाम से लौट करके आते, यहाँ पे क्यूज दिया था, क्यूज आया था, ठीक है। और इसके बारे में पूरे हम विशेष रूप से बात करें, मेहनत करने पड़ रहा है, बहुत मुश्किल से ये ब्लॉग तैयार हो रहा है, क्योंकि जब हम वहाँ पे शूट करते हैं तो बोलने के लिए नहीं बनता है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पब्लिक होते हैं तो आवाज़ अच्छा नहीं आ पाता है, इसकी वजह से मैं बोल नहीं पाता हूँ, आराम से चुपचाप रिकॉर्ड करता हूँ। वैसे मैं आप लोगों को समझा ही देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ, और पूरे पब्लिक के बीच में मैं वीडियो को शूट करता हूँ। ऐसा लगता है कि वहाँ पे इतने पब्लिक में कोई और वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करता है, सर फोटो कोई खींचता होगा लेकिन मैं नहीं देखा, लेकिन मैं वहाँ पे बिल्कुल शांत रूप से और सभी के सामने मैं रिकॉर्ड करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं हेजिटेशन करता हूँ। तो मेरा ब्लॉग बनाने के मकसद है कि आज के इस ब्लॉग में मेरा एग्ज़ाम था, और एग्ज़ाम को मैं कैसे क्लियर किया, कैसे एग्ज़ाम देने गया, शुरू से लेकर के अंत तक इस ब्लॉग में मैं बताया हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल को बहुत जल्द ही सब्सक्राइबर बढ़ाना है, मुझे बेस्ट ब्लॉगर बनना है, सपोर्ट चाहिए हमारा, आप सब हमें सपोर्ट कीजिए, तभी तो हम आगे की ओर बढ़ पाएंगे, और जैसे ही बढ़ पाएंगे आप लोगों को खुशी होगी, आप हमारे भगवान में खुशियाँ तभी मिलेगी जब आप हमें सपोर्ट करेंगे, सिर्फ आपको सपोर्ट करना है और खुशियाँ तो हमें देना है। तो आप लोग के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इस ब्लॉग में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मैंने एग्जाम में गया, एग्जाम में जा करके मैंने ये किया वो किया, तो ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे अब हम एग्जाम दे दिए और हमारा ब्लॉग फिर से स्टार्ट हो गया, अब मजा आने वाला है यहाँ के बगीचा में। तो गाइस, अब हम यहाँ पे आ गए हैं कॉलेज से एग्ज़ाम दे करके,
यहाँ के कॉलेज देख सकते हैं कितना फॉरेस्ट जंगल की तरह दिख रहा है यहाँ के कॉलेज। क्या कॉलेज है, एक फोटो ले लेते हैं इसी कॉलेज में। हाँ, इज माई बाइक।